भाजपा के बड़े पदाधिकारी पर कांग्रेस की मौजूदा सरकार के विधायकों की खरीद पर का कथित वीडियो चर्चा में है। प्रदेश सरकार के मंत्री सचिन यादव ने उज्जैन जिला के एक कार्यक्रम में भाजपा पर जनता के अपमान करने का आरोप लगाया तो भाजपा विधायक ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लंगड़ी करार दिया। प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सचिन यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए हॉर्स राइडिंग पर कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। यादव ने कहा कि पैसों के दम पर लोकतंत्र का गला घोट रही है। सरकार गिराने की बात पर यादव ने कहा कि बीजेपी वाले ना तो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं ना ही देश के जनादेश का। आज पैसों के दम पर भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप अगर आप इनकी जो पुराना इनका रिकॉर्ड आप देखेंगे उठा करके, तो इन्हें ना तो जनादेश का कोई इनके इसमें विच उनका सम्मान करते हैं और ना ही इनके लिए लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उन मूल्यों का किसी प्रकार का कोई इनके लिए सम्मान है। आज जिस प्रकार से पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी जो है खरीद फरोख करने का जो एक प्रयास कर रही है, मैं समझता हूँ कि हमारे ये लोकतंत्र के लिए बहुत जो है निराशाजनक है और इस कृत की जो है जितनी निंदा की जाए मैं समझता कम हो। और जिस मंशा से भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनके मंसूबे कभी जो है पूरे नहीं हो पाए। ये सरकार जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, ना सिर्फ हमारी सरकार ये 5 साल पूरे करेगी बल्कि जिस तेज़ी से जित गति से और जिस प्रकार से हमने इस अल्प समय में लोगों का जनता का भरोसा जनता का विश्वास जीतने का काम किया है, आने वाले एक लंबे समय तक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। वो मुंगेरी लाल के जो है सपने देखते रहे। कोई विधायक बन गई है अभी कांग्रेस बनाए सब हमारे साथ में है बल्कि। इंदौर से बीजेपी विधायक महेंद्र हाड़िया ने पार्टी के उल्टा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हाड़िया ने बताया कि यह कांग्रेस की अंतर्कलह है जिसे एक दिन बाहर आना था। प्रदेश में लंगड़ी सरकार है जो खुद ही जल्द गिर जाएगी। हार्स रीडिंग से मैं समझता नहीं हूँ क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही इतना अंतर्द्वंद है, लोग मंत्री बनने के लिए लालायित हैं। अब देखिए ना, आपके एक साल दो साल एक बार जीता हुआ दो बार जीता हुआ विधायक मंत्री बन गया, जो 6-7 बार जीत के आए उनको मंत्रिमंडल से दूर रखा है, तो निश्चित रूप से उनमें असंतोष तो होगा और असंतोष सामने आ रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, ये कांग्रेस का आपसी अंतर्द्वंद है जो जनता के सामने आ रहा है। आना था एक दिन और बड़ी संख्या में आने वाले समय में आएगा। नहीं देखिए, लंगड़ी सरकार तो है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ये निर्दलीयों के बसपा के और सपा के भरोसे बहुमत है कांग्रेस के पास। जब यही लोग इससे अलग हो जाएंगे, वो कांग्रेस का अंतर्द्वंद अपना अलग है, उनके सीनियर MLA नाराज हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं ये मुझको लगता है कि ये सरकार बहुत ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, बहुत जल्दी इस सरकार का उससे लोग किनारा करना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग भी करना चाहते हैं।